विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी साल होने वाले चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। कांग्रेस सेवादल प्रभारी गोपाल राव संभारे ने कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस सेवादल संगठन की बैठक ली। इस दौरान नए साल में नई सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को मंत्र दिए हैं। बैठक में जिला प्रभारी गोपाल राव संभारे, पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री अनुराग चतुर्मुहता सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ता मौजूद रहे। वापस फिर से तब भी सेवा दल में थे, भोपाल की बैठक में तब भी हम सेवा दल में जाते थे। तो ये जब कोई अतिथि जाता है तो हमको ताली बजाना है 3-3 बार। वो कैसी बजेगी वो ताली? और उसके साथ हमको मिलना है हर्ष हर्ष धन्यवाद। क्या बोलेंगे? हर्ष हर्ष धन्यवाद, मिलते रहेंगे, जय हिंद। ये सेवा दल के मन में आता है तो ताली बजेगी, और कोई अतिथि जाता है 5 वोट हर घर में लगभग है, तो 15×75 हमारी संख्या यहां से शुरू होगी कि हमको पहले हमारा घर देखना है और हमारे साथ हमारे पड़ोसी का घर देखना है। अगर एक सेवा दल के सेक्टर के बूथ के आदमी ने अगर 2 घर की जिम्मेदारी ले ली तो निश्चित ही हम कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का जो हम स्वर्णिम स्वप्न देख रहे हैं उसको हम क्रियान्वित करेंगे। अपनी मेहनत से हम माननीय कमलनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की पूरी सतत तैयारी करेंगे। ऐसा दल जो जमीनी स्तर पे, जो रूट लेवल पे कांग्रेस के लिए काम करता है, जन जन तक प्रचार करने का काम करता है, संघर्ष करने का काम करता है, वो है कांग्रेस सेवा दल। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात, हम सबको ये कसम खानी होगी, हम सबको ये प्रण लेना होगा कि 2023 में माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। और उसकी शुरुआत कैसे होगी? इसकी शुरुआत होगी हम जहां जाएं, जहां उठें, जहां बैठें, दिन भर अपनी चर्चा में ये हमको मानसिक रूप से दबाव बनाना है, मानसिक रूप से अपनी बातों को बोल बोल के ये बोलना है कि कांग्रेस की 2023 में सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बन रहे हैं। कांग्रेस की 2023 में सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बन रहे हैं, ठीक। उससे क्या होगा, हम जब ये बात करना चालू करेंगे कि तो एक माहौल बनना शुरू होगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, सबसे पहला देखो, हमेशा अपने विपक्ष से, अपने दुश्मन से भी कुछ सीखना चाहिए। इनका प्रचार तंत्र जो है वो बड़ा भारी है, किनका? अपने विपक्ष वालों का। वो चिंदी का सांप बनाने में बड़े एक्सपर्ट है। क्या बनाने में? चिंदी का सांप बनाने में। उनका क्या है, माउथ पब्लिसिटी बड़ी तगड़ी। तो हमको पहला हथियार अपने आप को बनाना है कि माउथ पब्लिसिटी हमारी बहुत तगड़ी हो, हम अपने चीज का विज्ञापन इतने अच्छे से करें। और हमारे जिला मुख्यमंत्री श्री रमजान काका जी का भी बहुत स्वागत करूं, जो लगातार कई वर्षों से कांग्रेस में निस्वार्थ भाव से काम करते आ रहे हैं। और मेरे से जाबाज साथी रवि विसेन जी और बिरसा से, इनकी संगठन की जो प्रणाली आप देखोगे पूरे बालाघाट जिले में एक अलग सेवा दल को मजबूती देती है। और साथ ही मेरे पधारे जीतू पटले जी और लोकचंद चौहान जी, अरशद खान जी और हमारे सभी जिले के साथी और मेरे सभी क्षेत्र जिले के साथियों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि मुझे जिम्मेदारी मिली है सेवा दल संगठन के मजबूती प्रदान करने के लिए, मेरे मार्गदर्शन और आपके आशीर्वाद से मैं जिले में काम करने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ा हूँ और कंधे से कंधे मिला के मेरे सभी साथियों के साथ कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए खड़ा हूँ यहाँ। जैसा कि आगामी 2023 में कमलनाथ जी का जो हमारे पूरे संगठन को जो आदेश है बूथ स्तर पर गठन करने का और बूथ को जिला स्तर पर गठन करने का, और हमारा उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि हर बूथ में 11 युवा हर बूथ, अगर हम हर बूथ में अपने 11 से 10 लोग को मजबूती से खड़ा करेंगे, जब भी हम एक बूथ को वोटर जो होता है वोटर को मतदान में पहुंचाने का काम हमारा वो बूथ का साथी करेगा, अगर वो काम हमारे साथी ने कर लिया तो निश्चित तौर पर आने वाले 2023 को कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है।